हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गगन सिरसमा। दोस्तों, आपने ब्याह शादी और पार्टियों में ऐसे पॉपअप पेपर पॉपअप, जिसको हम पार्टी पॉप पेपर भी बोलते हैं, ये तो आपने खूब चलाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके अंदर का मैग्नीज़म कैसा होता है और ये कैसे काम करता है? तो आज हम इसको ओपन करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या है और ये कैसे काम करता है, सब कुछ इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले इसमें ऊपर का एक कवर होता है। कुछ लोगों को लगता है कि ये कवर हट जाने से ये ख़राब हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ जो इसके अंदर स्टोन होते हैं ना, इसको सिर्फ रोकने के लिए होता है, ताकि ये वापस नीचे ज़मीन पर ना गिरे। बाकी इससे इसमें हवा जो एयर जो इसकी रिलीज होती है, इस ऊपर वाले पन्नी से इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसको मैं आपको काट कर दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको काट कर बिल्कुल अलग कर दिया है, तब भी ये बिल्कुल सही रहता है। बल्कि मेरा मानना तो ये है, अगर जो आप इसको ब्याह शादी में चलाते हैं तो पहले ये हटा लें। इससे क्या होता है कि इससे बिल्कुल एकदम बाहर की तरफ, एकदम से प्रेशर से जो स्टोन होते हैं, स्टार होते हैं, एकदम से खिंचते हैं बाहर की तरफ। देख लीजिए, मैंने पलट के इसको खोल लिया है, और उसमें बहुत सारे स्टोन हैं। आप भी देख सकते हैं, कटोरी पूरी भर गई है और कुछ बाहर भी आ निकल गया है। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला है। मैंने मार्केट से सिर्फ इसलिए लाया है कि आपको खोलकर दिखा सकूं कि इसके अंदर का मैग्नीज़म क्या है और वो कैसे काम करता है, सब कुछ इसको डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा भी और खोल कर भी दिखाऊँगा। तो वीडियो पर बने रहें। तो हम इसको पहले इसका वेपर उतार लेते हैं और कैची से इसको काटते हैं। दोस्तों, आराम आराम से इसको काटते हैं, ताकि जो इसके अंदर का मैग्नीज़म है वो ख़राब ना हो, क्योंकि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इसमें से जो बहुत तेज़ प्रेशर से जो हवा रिलीज होती है वो रिलीज होती है, और उसके साथ ही जो स्टोन होते हैं हमारे, स्टार जो होते हैं, वो आसमान में खिंच जाते हैं और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको मैं बिल्कुल ही आराम आराम से हाथ से ही फाड़कर आपको लास्ट जो इसका मैग्नीज़म है वहाँ तक दिखाऊंगा और पूरा समझाऊंगा भी ये कैसे काम करता है। दिल्ली तो लास्ट आ गया है इसका। इसमें प्लास्टिक का एक लगा हुआ है कुछ, और इसमें स्टेपलर की मदद से उसमें लगाया हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल आराम से खोल दो, क्योंकि अगर जो थोड़ा सा भी घूम गया तो ये रिलीज हो जाएगा और बेकार हो जाएगा। देख लीजिए, इसमें एक डार्ट सी लगी हुई है, ढक्कन सा लगा हुआ है, जो कि ट्रिगर सा लग रहा है, और ये ट्रिगर प्लास्टिक के साथ अटैच है, क्योंकि जब ये घूमेगा तो ट्रिगर भी साथ में इसके घूम जाएगा और उसका लॉक खुल जाएगा। और इसकी जो अंदर जो है, ये टंकी है एक, इसके अंदर ये टंकी होती है, इसके अंदर फुल एयर टाइट हवा होती है। आप गैस बोल लो, उसको कुछ भी बोल लो, बिल्कुल हवा इसके अंदर पैक होती है। और जब ये घुमाते हैं हम इसको, ऊपर वाला एंटी क्लॉकवाइज और नीचे वाला क्लॉकवाइज अगर जो घुमाएंगे तो इसका लॉक ओपन हो जाता है, ट्रिगर का लॉक ओपन हो जाता है, और बहुत ही प्रेशर के साथ हवा इसमें रिलीज होती है, और उसी के साथ ही हमारे स्टोन भी आसमान में बिखर जाते हैं। मैं आपको इधर चलाकर भी दिखाऊंगा, इसको हल्का सा घुमाकर दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखना इसमें कितनी प्रेशर से आवाज़ होती है, और जो स्टोन हवा निकलेगी। मैंने थोड़ा सा स्टोन भी इसके ऊपर डाल लिया है ताकि उड़े तो आपको पता चले। देखिए, मैं इसको घुमाऊँगा नीचे से क्लॉकवाइज और ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, इसको घुमाऊंगा तो ये बहुत ही प्रेशर के साथ इसमें से हवा निकलेगी। और एक इसके अंदर सील भी होती है, रबल टाइप एक सील होती है, ताकि इसका ट्रिगर के साथ, देखिए बहुत ही ज़ोर से आवाज़ आई और बहुत ही प्रेशर के साथ आवाज़, देखिए बहुत ही प्रेशर से। मैं दोबारा इसको रिप्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल धमाके की तरह, बिल्कुल बम की तरह एकदम फटता है, जैसे दिवाली का क्रैकर्स होता है वैसे ही बिल्कुल ये फटा है।
और ये लॉक होता है इसमें, देखो ये लॉक इसमें फंसा होता है और घुमाने से ये रिलीज हो जाता है बिल्कुल। मैं आपको अंदर से भी इसको खोल कर दिखाऊंगा पूरा, अंदर से इसके तहकीकात करेंगे इसके अंदर क्या है और कैसे काम करता है ये। पहले मैं इसको पेचकस की मदद से इन दोनों को अलग कर लेता हूँ। काफ़ी टाइट है ये क्योंकि उसमें लॉक टाइप लगा हुआ है। ये देखिए इस तरह की एक सिंपल सी एक टंकी होती है और इसी के अंदर एयर भरी जाती है। मैं बताऊंगा वो एयर भी कैसे भरते हैं, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। ये देखिए ये इस तरह का लॉक होता है, ये थोड़ा सा घुमाने पर ही लॉक हो जाता है और थोड़ा सा घुमाने पर ही लॉक खुल जाता है। और ये ट्रिगर उसमें नीली जो प्लास्टिक नीचे रखी हुई है उसमें लगा होता है ट्रिगर की तरह ये, क्योंकि वो ऊपर की प्लास्टिक घूमती है उसी के साथ ये लॉक भी घूम जाता है और ये गैस इसमें ओपन हो जाती है। इसके बीच में एक रबड़ होती है और दूर छटक गई थी, मैं दिखाऊंगा बाद में। ये देखिए मेरे हाथ में ये रबड़ है, ये रबड़ इसमें ढक्कन की तरह काम करती है। और आप सोच रहे होंगे इसमें हवा कैसे भरी जाती है, तो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ढक्कन लगा के इसमें एक सीरिंज टाइप कंप्रेसर से हवा भरी जाती है और बाद में उसको निकाल लिया जाता है। मैं दिखाऊंगा इसमें लॉक लगाने के बाद। पहले तो ये देखिए ऐसे इसमें डार्ट लगाते हैं इसमें और ऊपर से ये लॉक लगा देते हैं। इसको क्लॉक वाइज घुमाकर इसके लॉक लग जाता है पूरा एंड टाइट हो जाता है। फिर इसमें हवा भरी जाती है बाद में, ये ढक्कन लगाने के बाद इसमें ऊपर एक जगह दी हुई है इसमें हवा भरने के लिए, एक इंजेक्शन टाइप कंप्रेसर से इसमें हवा भरी जाती है। और आप सोच रहे होंगे भी सीरिंज अगर लगाते हैं तो हवा कैसे रुक जाती है इसके अंदर, तो देख लीजिए इसके अंदर एक सुपर ग्लू होता है और उसे उल्टा करके हवा भरी जाती है ताकि इसका ग्लू इसमें लगा जाए और जो सुराख सीरिंज का सुराख होता है वो बंद हो जाएगा। इसमें सीरिंज डाल के, इसी प्लास्टिक में सीरिंज डाल के हवा भरी जाती है और बाद में सीरिंज बाहर निकाल देते हैं और ये ग्लू उसमें अपने आप उस सीरिंज के जो निशान होता है जिसमें सुराख होता है सीरिंज से उस सुराख में लग जाता है और ये बंद हो जाता है और हवा को वापस बाहर नहीं निकलने देता। ये देखिए इस तरह टाइट करके इसमें ट्रिगर के ऊपर ही एक सुराख दिया हुआ है सीरिंज लगाने के लिए। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ ना, ये बारीक सा सुराख है, इसी के अंदर सीरिंज लगा कर और हवा भर दी जाती है उल्टा करके और सुपर ग्लू इसके ढक्कन में लगा होता है, वो एयर को दोबारा वापस नहीं आने देता बाहर। तो दोस्तों इस तरह से ही काम करता है ये। अभी मैं दिखाऊंगा इसको नीली प्लास्टिक में कैसे ट्रिगर के तौर पे यूज़ किया जाएगा। ये देखिए इसमें खांचा बना हुआ है, इस खांचे में फिक्स हो जाता है क्योंकि जब ये नीली प्लास्टिक जब एंटी क्लॉक वाइज घूमेगी तो ये लॉक अपने आप रिलीज हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड।